मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सारे भाई लोग? अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, आज है संडे और मैं अब जा रहा हूँ खाना खा लूँ। खाना खा के आज दिहाड़ी लगी है और दिहाड़ी पे जाना है मेरे भाई लोग। अभी खाना खा लूँ जल्दी जल्दी और 10:30 बजे तक पहुँचना है। 10:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, खाना खा लूँ मेरे भाई लोग, नहीं तो आज की भी दिहाड़ी, अगर जल्दी से खाना खा के दिहाड़ी पे चला जाता हूँ, अगर आज की भी दिहाड़ी छूट गई तो बहुत मुश्किल से आज की लगी है, तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी। घर में पैसे और सामान सब ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी जा रहा हूँ भाई लोग। अब खाना खा लेता हूँ और दिहाड़ी के लिए निकल लेता हूँ मेरे भाई लोग। अभी खाना खा रहा हूँ मैं और खाना खा के भी काम पे जाऊँगा। आज बना है मेरे भाई लोग ये तहरी बनी हुई है आलू डाल के। सब्जी थी नहीं, थोड़ा सा आलू रखा था घर में, तो आलू डाल के और हल्दी डाल के तहरी बनी है मेरे भाई लोग। अभी खा रहा हूँ मैं और खाना खा लूँ, फिर काम पे जाता हूँ, फिर शाम तक सब्जी लाऊंगा, पैसे मिल गए अगर आज तो। मेरे भाई लोग अभी मेरा खाना हो गया है, खाना खा लिया है अब जाऊंगा काम पे। आधे घंटे तक काम पे चला जाऊंगा, टाइम हो जाएगा तब तक। मेरे भाई लोग, कल एक वीडियो में मेरे भाई ने कमेंट करके पूछा था कि भाई आप कहाँ से हो। मेरे भाई लोग, मैं अभी जम्मू एंड कश्मीर में रह कमाने आया था फैमिली के साथ, तो यहाँ पे भी काम वाम जैसे भी लगता है मैं यहाँ कमाता हूँ। रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ मेरे भाई लोग, यूपी का बहराइच डिस्ट्रिक्ट का हूँ रहने वाला मेरे भाई लोग। ये लखनऊ से 2.5-3 घंटे का रास्ता है बस से, बहराइच डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं वहाँ से प्रॉपर हूँ मेरे भाई लोग, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा जो घर है वो वहाँ पे है, मैं यहाँ कमाने आया था मेरे भाई लोग। मुझे रहते जम्मू में तकरीबन कोई 18 साल हो गए, 18 साल से मैं जम्मू में रहता हूँ मेरे भाई लोग। मैं बहुत छोटा था तब मेरे मम्मी पापा यहाँ कमाने आए थे, वो भी दिहाड़ी करने आए थे, कोई रिश्तेदार था वो लाया था अपने साथ कि वहाँ चलो, वहाँ काम ज़्यादा मिलता है, गांव में उस टाइम इतने काम नहीं होते थे, कमाने के लिए यहाँ आए थे जब मैं बहुत छोटा था। यहीं से मैं पढ़ा लिखा हूँ मेरे भाई लोग, मैं यहीं से पढ़ा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, 7वीं क्लास तक मैं जम्मू में ही मैंने पढ़ाई किया था मेरे भाई लोग, 7वीं क्लास तक। उसके बाद घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, पापा बीमार हो गए थोड़ा, तो उसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी मेरे भाई लोग। उसके आगे मैं ही था अपने घर में कमा के खिलाने वाला उस टाइम पे भी, तो जो पापा का काम था उनका काम मैंने संभाल लिया, पापा काफ़ी बीमार हो गए थे, तब से मेरी पढ़ाई छूट गई मेरे भाई लोग, तब से मैं काम ही कर रहा हूँ अभी तक। फिर से दोबारा मैं नहीं पढ़ पाया मेरे भाई लोग, क्योंकि घर के हालत कभी ठीक हुए नहीं। यही मेरी ज़िंदगी है और यही मेरी ज़िंदगी का सफ़र है मेरे भाई लोग। तो घर पे जाते रहते हैं, जब पैसे कुछ इकट्ठा हो जाते हैं 10-20 हज़ार रुपये, तो घर पे जाते हैं, कुछ काम करा लेते हैं, कभी घर बनाना है, अभी बहुत मतलब घर भी नहीं है तो घर भी बनाना है, उसके लिए कमाने आया था, कमा रहे हैं सारे लोग कि मतलब पैसे इकट्ठा हो जाए, पर काम नहीं लगता है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम पड़ जाती है मेरे भाई लोग। अगर काम लगता रहे बराबर तो बनवा ले, अभी घर बनवा नहीं पाए, अभी छोटी आधी दीवार, जैसे ये पीछे देख रहे हो भाई लोग, ऐसी दीवार लगी, कमरे की दीवार लग गई है गाँव में, कमा के किसी तरह से पापा और मैंने लगवाया है, तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ, छोटी छोटी दीवार है, 2 कमरों की है सिर्फ, अभी उस पर और दीवार ऊंची करनी है और लेंटर भी डालना है, तो उसके लिए पैसे कमा रहे हैं और अभी घर का हालत सुधर नहीं पाया। अब वहाँ जाते हैं तो रहने का भी प्रॉब्लम पड़ता है, चाचा के साथ रहना पड़ता है, इसलिए जाते भी कम हैं, कि जब तक घर नहीं बन जाएगा, कमा के घर नहीं बनवा लेंगे तब तक इधर जाके रहेंगे कहाँ फैमिली के साथ, ये दिक्कत पड़ जाते हैं मेरे भाई लोग। और अभी हमारे गाँव में इतना काम नहीं है मेरे भाई लोग, शहर में तो वहाँ भी काम है, पर रहने का प्रॉब्लम पड़ जाता है। अब यहाँ से शुरू से रह रहे हैं तो यहाँ पर थोड़े मतलब आदत बन गई है रहने की, बस यही वजह है मेरे भाई लोग, और कुछ नहीं। तो अब सोच रहे हैं, अब काम लगना बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ भी काफ़ी लोग बाहर के कमाने आते हैं, यूपी, बिहार, एमपी और पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब भाई लोग आते हैं कमाने के लिए जो हैं जैसे, तो अभी बहुत लोग हैं यहाँ पे भी कमाने वाले, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम यही काम का पड़ने लगी है। टेंट के काम में भी बहुत बंदे हैं, गार्डन के काम में भी बहुत बंदे हैं, दिहाड़ी के काम में भी बहुत बंदे हैं, इसलिए मेरे भाई लोग काम जो है वो अब इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि बंदे काफ़ी हो गए हैं यहाँ पे।